अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, और दुआ करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज की वीडियो मैंने वॉइस ओवर नहीं कर रही और बिल्कुल भी, मैं का लाइव बना लेती हूँ। और इसलिए मैं बात करने निकली थी, ये है घर के पास है हिंदुस्तान के जो भी भारत के बच्चे होते हैं वो अपनी एजुकेशन के लिए, इस साइड पे आए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील होता है। और सामने जो बिल्डिंग है तो स्पेशल स्कूल है, तो बच्चे स्पेशल मतलब होते हैं जिन मैं भी तो ये बिल्डिंग है, स्पेशल स्कूल की बिल्डिंग है। ये सामने ट्रैक है वॉक करने के लिए। इस वक्त वीडियो बना लूँ और ना ही मुझे अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम ना ही वीडियो बना रही हूँ। बात मैं कर चुकी हूँ, तो मैं सोच यहाँ पे वीडियो बना लूँ। आज की वीडियो का टॉपिक तो क्या होगा, इतना अच्छा मौसम है और अच्छा मौसम जब होता है वीडियो बनाने के लिए कोई टॉपिक होना ज़रूरी भी नहीं है। वैसे ही मैं आपको नीदरलैंड दिखाऊंगी, नीदरलैंड की खूबसूरत, इतनी साफ सुथरा हर चीज़ देयर, मौसम साफ सुथरा है और हर चीज़। लोग भी वॉक करने जा रहे हैं, कुछ लोग वॉक करके वापस आ रहे हैं। आज बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अब बारिश रुक गई है। कल सुबह से बारिश स्टार्ट हुई थी और आज तकरीबन सुबह 8 बजे तक रही है। अभी भी बादल बने हुए हैं लेकिन अब बारिश बंद हो चुकी है माशाल्लाह से। बहुत ज़्यादा ही अच्छा मौसम है, बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। ये लोग वॉक करके वापस आ रहे हैं, अपने बच्चों को भी ले, कुछ लोग साथ लेके आए हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। और ज़्यादातर बच्चे इस टाइम होंगे नहीं, स्कूल में होंगे, स्कूल टाइम में बच्चे नहीं हैं, पेरेंट्स ही हैं इस टाइम। आज फ्राइडे है, जो मुस्लिम स्कूल होंगे उनको जल्दी छुट्टी हो जाएगी 12 बजे के, जो मुस्लिम स्कूल वहाँ छुट्टी जल्दी हो जाती है। और बाकी जो दूसरे स्कूल होते हैं जैसे हिंदू स्कूल और जो यहाँ के नेशनल स्कूल है वहाँ पे छुट्टी का टाइम जो होता है वो 2 बजे का होता है। तो बस और क्या बताऊँ इसके बारे में। और मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी, हम दोनों ने एक मार्केट तक जाना था, पता नहीं आपको कब तक आती है, तो उस वजह तो वो नहीं आती, तो आज की वीडियो देख डालूँ। और आज आपको यहाँ का ही बाहर का व्यू दिखाऊँ क्योंकि पूरा टाइम एक तरह की वीडियो बना बना के थक जाता है। और ये सामने जो है ये गाड़ियों के लिए है ताकि गाड़ियाँ अंदर की तरफ मतलब इस तरह इस साइड पर ना आ सकें, क्योंकि ये वॉक करने की जगह है, इनकी रुकावट के लिए बनाई गई है। खूबसूरत से कबूतर भी हैं यहाँ पे, आपको कबूतर बहुत ज़्यादा ही नज़र आएंगे। हॉलैंड के अंदर कबूतर बहुत ज़्यादा ही हैं। और साइकिलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग ही साइकिलिंग करते हैं हॉलैंड में, बहुत ज़्यादा लोग ही साइकिलिंग करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है अपने फ्रेंड का वेट करते करते, मुझे लगता है मुझे पहले जाना चाहिए, वो आ ही नहीं रही, या मुझसे कंटेक्ट करती हूँ क्योंकि इतना टाइम हो गया। और हाँ, ये सामने वाली जो ये है फार्मेसी, यहाँ पे फार्मेसी जो होती है वो डिफरेंट है, मतलब जो डॉक्टर होता है उसकी अपनी फार्मेसी होती है, उसकी मेडिसिन मतलब हम अपनी मर्जी से चूज़ करते हैं फार्मेसी को, फिर वो डॉक्टर बताते हैं हम ये फार्मेसी के तरफ नाम रजिस्टर करवा चुके हैं तो हमें मेडिसिन यहाँ से मिलेगी। तो हर जगह से हमें मेडिसिन नहीं मिलती, इस फार्मेसी में हम नाम रजिस्टर करवाएंगे अपना तो हमें वहाँ से ही अपनी मेडिसिन मिलेगी। तो ये हमारी सामने वाली चीज़ हमारी फार्मेसी है और यहाँ से ही हम अपनी मेडिसिन लेते हैं। और उस साइड पे रोड है, इस सामने नीदरलैंड और हिंदुस्तान का फ्लैग है। और अब दिखाते हैं